स्टूडेंट्स वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम कर रहे थे चैप्टर वन इंटीजर्स। चैप्टर वन इंटीजर्स से रिलेटेड असाइनमेंट हम कर चुके हैं। उस असाइनमेंट में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए थे। इसके बाद हम इंटीजर्स का सेकंड असाइनमेंट करने वाले हैं आज, जिसमें भी मैंने आपको 10 ही क्वेश्चंस दिए हैं। आज हम वो 10 क्वेश्चंस बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा अरेंज द इंटीजर्स अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा इंटीजर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारी -8, -4, 0, -11, 9, 4, 6, 13, -27 और 19। तो देखिए बेटा, इन इंटीजर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम सबसे पहले इसमें सबसे छोटा इंटीजर लिखेंगे। तो आप देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स में से जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो छोटे होते हैं पॉजिटिव से। ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर्स है हमारे पास -8, -4, -11 और -27। इनमें सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? तो देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 27। ठीक है, तो -27 हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा। तो हम इसको लिख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा हो जाएगा -27। उसके बाद है -11, फिर -8, -4, उसके बाद आता है 0। 0 के बाद हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में सबसे छोटा है हमारा 4, फिर है 6, फिर है 9, 13 और 19। अब अपने इंटीजर्स को काउंट कर लो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 इंटीजर्स गिवन थे। अब आंसर में चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है बेटा, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा ऐड का, 400, -31 और -71। यहाँ पर 3 इंटीजर्स गिवन है, इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले इन तीनों इंटीजर्स को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इनको ऐड करना है तो इनके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। 400 के आगे प्लस है तो ये एज इट इज रहेगा। 31 के आगे माइनस का साइन है और ब्रैकेट के जस्ट बाहर प्लस का साइन है। तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों के बीच में आ रही है ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्लस माइनस होता है -31। इसी तरह से प्लस माइनस -71। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। पहले हम 400 में से 31 को माइनस कर देते हैं। माइनस करने पर आ जाएगा 9, 369, -71 एज इट इज। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 8, 298। तो आंसर आ गया हमारा 298 ऐड करने पर। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड था हमारा फाइंड द वैल्यू। यहाँ कर रही हूँ मैं, यहाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड द वैल्यू -37, -15 और -2। इस स्टेटमेंट में देखिए, यहाँ पर एक ब्रैकेट दी हुई है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -37 एज इट इज, ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस का साइन है और अंदर भी माइनस का साइन है। तो माइनस को माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा +15 और ये -2 एज इट इज। अब हम फर्स्ट और सेकेंड इंटीजर को सॉल्व करते हैं। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। माइनस प्लस माइनस होता है। 37 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22 और माइनस का साइन लग जाएगा और -2 एज इट इज। अब ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 22 और 2 कितना हो जाएगा 24 माइनस का। तो आंसर आ गया हमारा -24। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सिंप्लीफाई का क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करना है हमारे को। स्टेटमेंट है -15, -8, -283 × 0। यहाँ पर 4 इंटीजर्स हमारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट इंटीजर है -15, सेकंड है -8, थर्ड है -283 और नेक्स्ट है हमारा 0। तो आप यहाँ देख रहे हैं 0 आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में। 0 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा। आप 15 को 8 से कर लो, फिर जो आएगा उसको 283 से कर लो, माइनस के साइन भी कर लो, कुछ भी नंबर आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, जब हम इसको 0 से
से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा जीरो आ जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारा जीरो। क्या बेटा हमारा, फाइंड द वैल्यू -155 प्लस -100 फर्स्ट ब्रैकेट में, डिवाइड सेकंड ब्रैकेट में हम -300 प्लस में 45। हमारे पास यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स गिवन है, सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर देखिए बेटा -155 एज इट इज, प्लस माइनस -100, डिवाइड का साइन एज इट इज। सेकंड ब्रैकेट में -300 प्लस में 45। अब हम इन फर्स्ट दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में -155 और -100, माइनस माइनस प्लस, 155 और 100 हो जाएगा 255 और साइन लग जाएगा माइनस का, तो आ जाएगा -255। डिवाइड यहाँ है माइनस प्लस माइनस, 300 में से 45 को माइनस करेंगे 255 आ जाएगा और साइन लग जाएगा ग्रेटर इंटीजर का, यानी कि -255 आ गया। अब -255 को -255 से ही डिवाइड करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 1। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू 8792 मल्टीप्लाई 997 -792 मल्टीप्लाई 997। तो देखिए बेटा यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर ले और आपस में माइनस कर ले, तो ये हो जाएगा हमारा लेंथी क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसको एक इजी मेथड से करेंगे, हम इसमें प्रॉपर्टी का यूज करके करेंगे। तो देखिए बेटा ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारा सेकंड ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप्स को देखिए, यहाँ पर 997 यहाँ भी आ रहा है और 997 यहाँ भी आ रहा है, तो दोनों में सेम है ये, तो 997 दोनों में से कॉमन ले लेती हूँ। तो फर्स्ट ग्रुप में रह गया 8792 माइनस एज इट इज और सेकंड ग्रुप में रह गया 790, ये 997 एज इट इज। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 8000। क्लियर? ठीक है, अब 997 को हम 8000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए 997 मल्टीप्लाई में 8000, तो हम 997 को रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से, सिर्फ 87 का 56, 89 का 72 और 577, 89 का 72 और 779, तो आ जाएगा 7976 और 000। ठीक है, तो आंसर ये आ गया हमारा। समझ में आया आपको बेटा, इसमें हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का यूज करके हमें प्रोडक्ट निकालना है। स्टेटमेंट है -48 × 105। हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो देखिए -48 तो एज इट इज रहेगा, 105 को ये लिख सकते हैं 100 प्लस में 5, हमने 2 पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस ब्रैकेट के बाहर देखिए -48 है, तो -48 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। -48 को 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और -48 को हम 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब -48 को 100 से करेंगे तो -4800 प्लस एज इट इज, -48 को हम 5 से कर लेते हैं तो आ जाएगा 240 माइनस का। क्लियर? तो ये -4800 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 240 एज इट इज। अब ये माइनस का है, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, हम प्लस करते हैं तो आ जाएगा 5040 माइनस का। क्लियर? तो हमने क्या कर दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया और साइन कौन सा लगा दिया, ग्रेटर इंटीजर का। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज ग्रेटर, -7 - 8 × 9 और 7 - -8 × -9। इन दोनों में से बताना कौन सा बड़ा है, तो हम दोनों को पहले सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा -7 - 8 × 9, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये आ गया -15 × 9। अब 15 को 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा -135। क्लियर? और के प्लेस पर हो रही है, यहाँ सेकंड है हमारा 7 - -8 × -9, 7 एज इट इज माइनस एज इट इज, -8 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 8 × 9 = 72, तो 7 - 72 प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा हमारा
माइनस का 65। अब देखिए माइनस 135 और माइनस 65 में से कौन सा ग्रेटर है? वैसे तो 135 और 65 में से 135 ग्रेटर होता है, लेकिन क्या होता है जब दोनों के आगे माइनस का साइन है तो रूल अपोजिट हो जाता है, जो हमारा नंबर छोटा होता है वो बड़ा माना जाता है, यानी कि 65 माइनस 65 क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटर हो जाएगा, तो हमारा ये ग्रेटर हो गया। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है माइनस 180, उनमें से वन नंबर दिया हुआ है 12 और अदर नंबर निकालना है। जब भी हमारे को प्रोडक्ट गिवन हो और वन नंबर गिवन हो तो हम कैसे करेंगे, अदर नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट को जो है वन नंबर से डिवाइड कर देंगे। अब माइनस 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस में 15। क्लियर? समझ में आया? आप इसको जो है एक और मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए आपने जैसे फर्स्ट नंबर ले लिया 12, सेकंड मेथड बता रही हूँ, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 12, सेकंड नंबर जो अदर नंबर हमें निकालना है उसको हमने एक्सलेट कर दिया, ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल लिख दिया, माइनस 180 के। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 12 में यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के यहाँ जाकर डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस 15। ठीक है, ये हमने लीनियर इक्वेशन वाले मेथड से किया, लेट करते हैं, और ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया कि जब भी प्रोडक्ट दिया हो और वन नंबर दिया हो, सेकंड नंबर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट को वन नंबर से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जो भी प्लस का साइन है तो वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का साइन है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो माइनस 7/11 का जो एडिटिव इनवर्स निकालेंगे वो आ जाएगा प्लस का 7/11, तो प्लस नहीं लगाना आपको, सिर्फ लिखना है 7/11। क्लियर? इसी के साथ बेटा हमारा ये असाइनमेंट कंप्लीट होता है। इस असाइनमेंट में हमारे 10 ही क्वेश्चंस थे, ये 10 के 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बोर्ड पर सॉल्व करा दिए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपको अपने क्वेश्चन से मैच करने हैं। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारी क्लास कंप्लीट होती है।